वरकुम वणक्कम ओम नमः शिवाय शिवाय नमः हर हर महादेव सबसे पहले विभिन्न आदिनम से जुड़े आप सभी पूज्य संतों का मैसेज झुकाकर अभिनंदन करता हूं आज मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े हैं ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला है मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहाँ साक्षात आकर के आशीर्वाद देने वाले हैं पूज्य संतगण हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है वीर मंगई वेलू नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की भारत के कल्याण की भावना रही है बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है के महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ था जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं लेकिन उस समय राजा जी और आदिनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तब 1947 में 1947 में पवित्र तिरुवावड़ूथ आदिनम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार किया गया था आज उस दौर की तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा है आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है इससे उस समय की घटनाओं को समझने का सही दृष्टिकोण भी मिलता है और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि सत्ता के हस्तांतरण के इस सबसे बड़े प्रतीक के साथ क्या किया गया मेरे देशवासियों आज मैं राजा जी और विभिन्न आदिनम की दूरदर्शिता को भी विशेष तौर पर नमन करूंगा आदिनम के एक सेंगोल ने भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी के हर प्रतीक से मुक्ति दिलाने की शुरुआत कर दी थी जब भारत की आजादी का प्रथम पल आया आजादी का प्रथम पल वो क्षण आया तो ये सेंगोल ही था जिसने गुलामी से पहले वाले कालखंड और स्वतंत्र भारत के उस पहले पल को आपस में जोड़ दिया था इसलिए इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तांतरण का प्रतीक बना था इस संगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य संगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता इसे में स्थान दिया जाता लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक, यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है पूज्य संतगण आदिनम की महान प्रेरक परंपरा साक्षात सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है आप सभी संत शायु परंपरा के अनुयायी हैं आपके दर्शन में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है वो स्वयं भारत की एकता और अखंडता का प्रतिबिंब है आपके कई आदिनम के नामों में ही इसकी झलक मिल जाती है आपके कुछ अधिनियम के नाम में कैलाश का उल्लेख है ये पवित्र पर्वत तमिलनाडु से बहुत दूर हिमालय में है फिर भी ये आपके हृदय के करीब है शैव सिद्धांत के प्रसिद्ध संतों में से एक तिरुमुलर के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत से शिव भक्ति का प्रसार करने के लिए तमिलनाडु आए थे आज भी उनकी रचना तिरुमंदिरम के श्लोकों का पाठ भगवान शिव की स्मृति में किया जाता है अपर समंदर सुंदरर और का आवासगर जैसे कई महान संतों ने उज्जैन केदारनाथ और गौरी कुंड का उल्लेख किया है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज मैं महादेव की नगरी काशी का सांसद हो, तो आपको काशी की भी बात बताऊंगा धर्मपुरम आदिनम के स्वामी कुमार गुरुपरा तमिलनाडु से काशी गए थे उन्होंने बनारस के केदार घाट पर केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की थी तमिलनाडु के तिरुपन्नदारू में काशी मठ का नाम भी काशी पर रखा गया इस मठ के बारे में एक दिलचस्प जानकारी भी मुझे पता चली है कहा जाता है कि का काशी मठ तीर्थ यात्रियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता था कोई तीर्थ यात्री तमिलनाडु के काशी मठ में पैसे जमा करने के बाद काशी में प्रमाण पत्र दिखाकर वो पैसे निकाल सकता था इस तरह शैव सिद्धांत के अनुयायियों ने सिर्फ शिव भक्ति का प्रसार ही नहीं किया बल्कि हमें एक दूसरे के करीब लाने का कार्य भी किया पूज्य संतगा सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी तमिलनाडु की संस्कृति आज भी जीवंत और समृद्ध है तो इसमें आदिनम जैसी महान और दिव्य परंपरा की भी बड़ी भूमिका है इस परंपरा को जीवित रखने का दायित्व संत जनों ने तो निभाया ही है साथ ही इसका श्रेय पीड़ित शोषित वंचित सभी को जाता है कि उन्होंने इसकी रक्षा की उसे आगे बढ़ाया राष्ट्र के लिए योगदान के मामले में आपकी सभी संस्थाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है अब उस अतीत को आगे बढ़ाने उससे प्रेरित होने और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का समय है पूज्य संतगण देश ने अगले 25 वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं हमारा लक्ष्य है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक मजबूत आत्मनिर्भर और समावेशी विकसित भारत का निर्माण हो उन्नीस में 1947 में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका से कोटि कोटि देशवासी पुनः परिचित हुए हैं आज जब देश 2047 के बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है तब आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है आपकी संस्थाओं ने हमेशा सेवा के मूल्यों को साकार किया है आपने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का उनमें समानता का भाव पैदा करने का बड़ा उदाहरण पेश किया है भारत जितना एकजुट होगा उतना ही मजबूत होगा इसलिए हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे जिन्हें भारत की उन्नति खटकती है वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी संस्थाओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ति मिल रही है उससे हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे मैं फिर एक बार आप मेरे यहाँ पधारे आप सबने आशीर्वाद दिए ये मेरा सौभाग्य है मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आप सबको प्रणाम करता हूँ नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सब यहां आए और हमें आशीर्वाद दिया इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता है और इसलिए मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है फिर एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं ओम नमः शिवाय वणकम